हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और जैसा कि मैं बताया था कि मैं आपके लिए क्रैश कोर्स लेकर आ रहा हूँ, तो वो जो है इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई और आज हम लोग क्रैश कोर्स जो है स्टार्ट करने वाले हैं। और आज मैं उस क्रैश कोर्स को लेकर आ गए हैं आपके सामने। और जितने भी हमारे 12th बोर्ड में एस्पेरेंट्स जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक खास अपॉर्चुनिटी है जो कि आप बोर्ड में अच्छा कर सकते हो। तो आज हम पहले सबसे पहले ये बता दूं कि अंकित मैथमेटिक्स फाउंडेशन का जो क्रैश कोर्स का आगाज हो चुका है आपके सामने, और बहुत अब थोड़े ही देर में आपको हर चीज क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपको बोर्ड में तैयारी करने हैं और मैथमेटिक्स में किस तरीके से आपको स्कोर अच्छा करना है, कैसे कौन से टॉपिक को कितना टाइम आपको देना चाहिए और कौन से टॉपिक को पहले आपको पढ़ लेना चाहिए और किस टॉपिक से कितने मार्क्स के सवाल आएंगे आपके एग्जाम में, तो वो सारे डाउट्स को मैं अभी क्लियर करने वाला हूं। तो आपका जो इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो चुकी है और हम लोग क्रैश कोर्स के इस सेशन में जुड़ चुके हैं। तो जितने भी हमारे एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए ये खास सेशन। तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें आपको किस तरीके से सिलेबस का पैटर्न है वो मैं क्लियर कर दूं आपके सामने। उसके बाद मैं जो है आपके लिए कुछ खास जो कि किस तरीके से मैं टॉपिक को बताऊंगा वो भी मैं क्लियर करने वाला हूं कि सबसे पहले मैं किस किस टॉपिक को मैं आपके सामने क्लियर करूंगा। उसके बाद मैं जो है आपको आगे जो भी टॉपिक रहेगा आपको अच्छे ढंग से मैं क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले तो ये आप स्टूडेंट्सों को पता नहीं होता है कि सिलेबस में किस तरीके से मार्क्स आते हैं। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको मार्क्स के बारे में भी पता नहीं रहता है कि कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले मैं सिलेबस को डिस्कस कर दूं एक बार आपके सामने। तो सिलेबस जो है, सबसे पहले आपको कौन कौन से टॉपिक आपके 12th एग्जाम में आने वाले हैं, मैथमेटिक्स की खास करके बात करें तो सबसे पहले आपका जो टॉपिक आता है रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि बहुत ही छोटा टॉपिक है, और रिलेशन एंड फंक्शन है ना। दूसरा है आपका अलजेब्रा, है ना, अलजेब्रा। और उसके बाद आपका आता है कैलकुलस, उसके बाद आपका आता है जो है लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग। और उसके बाद जो आपका आता है वेक्टर, थ्री डाइमेंशनल, थ्री डी ज्योमेट्री। और लास्ट टॉपिक जो है आपका प्रोबेबिलिटी, जो कि ये आपको आता है। अब मैं बारी बारी से मैं क्लियर कर दूं आपके सामने कि रिलेशन एंड फंक्शन से आपका 8 नंबर के मार्क्स, मार्क्स जो इसमें होते हैं 8 नंबर जो आपको मिलेंगे। पूरे टॉपिक से रिलेशन एंड फंक्शन से आपको 8 नंबर का जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। अलजेब्रा से आपको बता दूं कि 10 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। कैलकुलस सबसे ब्रॉड टॉपिक, 35 मार्क्स। लीनियर प्रोग्रामिंग से आपको 5 नंबर का सवाल आएगा आपको एग्जाम में। वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री से 14 नंबर का आएगा और प्रोबेबिलिटी से 8 नंबर का सवाल आएगा। आप जोड़िए कि आपका 80 मार्क्स होता है या नहीं। तो 10, 8, 18, 18 और 5, 23, 23 और 4, 27, 27, 23 और 4, 27 और 10, 37 और 8, 45, 45 और 5, 50 और 30, 80। और जो 20 मार्क्स जो आपके होते हैं इंटरनल असेसमेंट से मिलता है आपको, इंटरनल असेसमेंट, असेसमेंट से आपको मिलेंगे वो। तो ये आपका पैटर्न है जो इसमें अब कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, तो कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में आएंगे, सारे टॉपिक्स को पढ़ने का कोई जरूरत नहीं। और ये क्रैश कोर्स है तो क्रैश कोर्स में हम हर चीजों को क्लियर नहीं करेंगे, जो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सबसे पहले हम उसको कवर कर लेंगे। उसके बाद
जो भी आपका जो क्वेश्चन रहेगा, किस पैटर्न पे आपका क्वेश्चन आएगा, तो वो मैं क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले आप सिलेबस देख लें अच्छे से, बार बार मैं बता रहा हूं कि सिलेबस आप पहले अच्छे से दिमाग में देख लें कि किस टॉपिक को आपको सबसे ज्यादा टाइम देना है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सबसे जो वेटेज, किस टॉपिक का सबसे ज्यादा वैल्यू है, वेटेज है, तो वेटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा जो वेटेज आप कैलकुलस जो कि आप दे सकते हो, कैलकुलस में आपका जो है 35 नंबर का सवाल डायरेक्टली आपको कैलकुलस से सिर्फ आएगा। फिर बता दूं कि मैं आपको वेक्टर और 3D जो कि 14 नंबर का सवाल इसमें आएगा आपका। फिर मैं बता दूं कि रिलेशन एंड फंक्शन से आपको 8 नंबर का सवाल आएगा। तो बाकी सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो, 80 मार्क्स के टोटल आपके एग्जाम होते हैं और 20 मार्क्स जो है आपका इंटरनल असेसमेंट से आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको जो है वेटेज के आधार पे मैं क्लियर कर दूं कि सबसे ज्यादा जो है कैलकुलस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो कैलकुलस को आप ध्यान से पढ़ेंगे, है ना, कैलकुलस को आप ज्यादा टाइम देकर पढ़ेंगे क्योंकि ये इससे सबसे ज्यादा सवाल आपको एग्जाम में आने वाले हैं। फिर मैं बता दूं कि ये वेक्टर 3D इससे भी आपका सवाल 14 नंबर का आएगा। उसके बाद मैं बोल दूं कि इसमें अलजेब्रा में जो होता है आपका मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, जो कि उसको अलजेब्रा कहा जा रहा है, तो और कैलकुलस में ही आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिखा गया है। तो कैलकुलस में ही आपका आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो और यहाँ लीनियर प्रोग्रामिंग जो कि 5 नंबर का सवाल, जो ये 5 नंबर में ही आएगा। अब मैं बता दूं कि सिलेबस का पैटर्न, जो ये तो मार्क्स है कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स के सवाल आएंगे आपको। अब जो है सीबीएसई में शायद 20 मार्क्स का जो है आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा और आपका 60 मार्क्स जो होगा वो सब्जेक्टिव पेपर होगा, मतलब 20 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे और 60 मार्क्स जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा। उसमें 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर ऐसे सवाल आएंगे या 5 नंबर के सवाल आएंगे आपको। तो आपको सबसे पहले तो ध्यान ये देना होगा कि किस टॉपिक को आपको कितने देर पढ़ना है, कितना समय देना है, किस टॉपिक को कितना समय देना। तो आपको दिख गया होगा कि कैलकुलस जो है आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि वहां से डायरेक्टली 35 नंबर का क्वेश्चन जो आएगा, 35 नंबर डायरेक्ट। अगर आप कैलकुलस पे कमांड आपका अच्छा होता है तो यहां से आप 35 नंबर डायरेक्टली आप यहां से स्कोर कर सकते हो। फिर उसके बाद आपका वेक्टर हो गया, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, फिर सारे जो है इक्वल वेटेज है, मतलब कि आप सबसे ज्यादा, अगर कोई भी लड़का या स्टूडेंट्स अगर कैलकुलस पे कमांड कर लेता है तो मैथमेटिक्स में तो ऐसे ही वो पास कर जाएगा। कैलकुलस जिसका अच्छा हो गया तो वो मैथ में फेल करने का कोई सवाल ही नहीं होता है, वो पास ही कर जाएगा। ये सब टॉपिक जो है ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे रिलेशन एंड फंक्शन ज्यादा नहीं है। इसमें आपको अभी मैं जो स्टार्ट करने वाला हूं आपके लिए टॉपिक, तो अभी जस्ट आपके सामने लेकर आऊंगा जो रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये छोटा टॉपिक है, जल्द ही आपका खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। तो आज जो है बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप स्टूडेंट्सों के लिए कि आज जो है क्रैश कोर्स जो 2025 बोर्ड के लिए जो है आज लॉन्च हो चुका है आपके सामने, जो कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कि किस पोर्शन से आपका कितना, किस पोर्शन से कितने मार्क्स के सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। तो आपका रिलेशन एंड फंक्शन, अलजेब्रा, कैलकुलस आपको सामने बोर्ड पे दिख रहा होगा कि किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से कितना मार्क्स के सवाल आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे अब टॉपिक्स को कि कौन से टॉपिक। तो मैं बताया अभी आपको कि रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि रिलेशन, आज हम लोग रिलेशन को करेंगे, इसी तरीके से फंक्शन, उसके बाद आपका मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, उसके बाद कैलकुलस, लीनियर प्रोग्रामिंग, जिस तरीके से हम लोग को करना है, पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, क्रैश कोर्स। तो ये आज जो है बहुत ही अच्छा दिन है आप लोग के लिए कि आज जो है क्रैश कोर्स जो है लॉन्च हो चुका है आपके लिए। तो अभी भी जिन बच्चों के लिए मन में लग रहा था कि मैथ में कैसे करूंगा, किस तरीके से करना है, या फिर वो एकदम कंफ्यूजन में थे कि किस तरीके से हमको मैथमेटिक्स के लिए प्रिपरेशन करना है, तो उनके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी भी आप बहुत कुछ एग्जाम में कर सकते हो, अभी भी आपके पास बहुत समय बचा हुआ है,
उसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो एग्जाम में। तो उसके लिए आप कंफ्यूजन में ना रहें, आप अभी भी बहुत ही अच्छा स्कोर मैथमेटिक्स में कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अभी रिलेशन, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशन को, है ना? तो रिलेशन सबसे पहले हम लोग रिलेशन स्टार्ट करेंगे। रिलेशन का मतलब क्या होता है? जनरली अगर रिलेशन को समझे अगर तो रिलेशन का मतलब होता है संबंध, है ना? संबंध, है ना? अगर हम किसी संबंध की बात करें, रिलेशन की बात करें, तो अगर रिलेशन की बात करें, अगर हम ऐसा लिखें राम, है ना उसके बाद, और अगर आप ऐसा लिखें, रिलेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना? तो रिलेशन की अगर सबसे बात पहले करते हैं हम लोग, तो राम को अगर लिखा जाए सीता, है ना? लक्ष्मण को लिखा जाए उर्मिला, और इसको लिखा जाए मांडवी, और इसको जो लिखा जाए श्रुति कृति। ये जो है आपका जो रिलेशन दिख रहा है, क्या एक तरह का रिलेशन ही तो दिख रहा है? रिलेशन हम लोग समझ रहे हैं, तो ये भी तो एक रिलेशन ही, राम का सीता से रिलेशन है, मतलब राम इज द हस्बैंड ऑफ सीता। फिर उर्मिला, तो उर्मिला जो है, तो लक्ष्मण इज हस्बैंड ऑफ उर्मिला, एक तरह का रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहा है ये, है ना? यहाँ पे देखिए भरत, भरत का मांडवी से रिलेशन है, है ना? एक भी, ये भी तो एक रिलेशन ही हुआ ना। तो रिलेशन को मतलब कि किसी भी टाइप के आप रिलेशन को अगर देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक रिलेशन, मतलब फैमिली टाइप रिलेशन देख रहे हैं हम लोग। तो एलिमेंट्स के बीच में भी जब सेट आप बनाते हो, सेट आप पढ़े होंगे, तो सेट, एक सेट का दूसरे सेट के साथ रिलेशन, मतलब कोई ऐसा रिलेशन दिया हुआ है ए बराबर बी स्क्वायर, कहने का मतलब कि ए जो है जितना भी होगा वो बी का स्क्वायर से रिलेटेड है, मतलब ए में जो एलिमेंट है वो बराबर हो रहा है बी का स्क्वायर से। आप ये भी एक तरह का रिलेशन, तो ए से बी ऐसा रिलेटेड है, जो एक ऐसा रिलेशन है जो ए में जो हम लोग एलिमेंट, ए में जो स्टोर कर रहा है वैल्यू, वो बी का स्क्वायर, मतलब एक ऐसा रिलेशन वो बना रहा है। तो यहाँ भी तो एक रिलेशन ही आपको दिख रहा है ना, राम का सीता से, मतलब राम इज द हस्बैंड ऑफ सीता। फिर लक्ष्मण, तो लक्ष्मण इज द हस्बैंड ऑफ उर्मिला। मांडवी, तो मांडवी, तो भरत इज द हस्बैंड ऑफ मांडवी, है ना? श्रुति कृति, मतलब शत्रुघ्न इज हस्बैंड ऑफ सुकृति। तो यहाँ पे एक रिलेशन बन रहा है हस्बैंड, हस्बैंड का जो है रिलेशन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो अभी आपको समझ आया होगा, हम इसको डिफाइन करेंगे बहुत जल्दी, इसको डिफाइन कर लेते हैं कि रिलेशन आपको क्या होता है। तो ये अगर आपको समझ आया होगा तो रिलेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं। चलिए, तो लेट ए एंड बी द टू नन एम्प्टी सेट्स। सेट आपको पता ही होगा, सेट आप पढ़े होंगे 11th में। Let A and B be the two non-empty set, then rule R associates element, then rule R associates element of A to element of B। कहने का मतलब कि अगर दो नन एम्प्टी सेट आपके पास हैं, तो ये जो रूल R कहता है, एसोसिएट करता है एलिमेंट A के एलिमेंट को B के एलिमेंट से, है ना?
एसोसिएट्स एलिमेंट्स ऑफ ए टू एलिमेंट ऑफ बी। मैं ऐसा कहूं कि इफ ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, है ना, देन इट इज एक्सप्रेस्ड ए रिलेटेड टू बी। कहने का मतलब कि अगर कोई सेट ए में, सेट ए से एलिमेंट ए बिलोंग कर रहा है और सेट बी से बी बिलोंग कर रहा है, तो इसमें जो रिलेशन इस्टेब्लिश इसको करना है, अगर ये रूल आर इसमें अगर फंक्शन कर रहा है तो उसको आप कैसे करोगे, ए रिलेटेड टू बी। तो अगर दो सेट आपके पास है जो जिसमें नन एम्प्टी सेट आपके पास है, तो रूल आर क्या कहता है कि अगर ए एलिमेंट ए का जो है एसोसिएट्स कर रहा है एलिमेंट बी के साथ, है ना, तो रूल आर एसोसिएट्स एलिमेंट्स ऑफ ए टू एलिमेंट ऑफ बी, मतलब कुछ रिलेशन उसके साथ बता रहा है। मैं अभी बताया था कि ए बराबर बी स्क्वायर अगर ले रहे हैं, तो अगर मान लीजिए सेट ए में अगर आपका क्या है, टू है, थ्री है, और बी में क्या है, जैसे ए में आपका मान लीजिए फोर है और यहां नाइन है, और बी में है आपका क्या हो जाएगा, टू और थ्री। तो क्या कह रहा है, ए में जो सेट है, ए में जो एलिमेंट है वो बी का स्क्वायर वाला है, मतलब बी का स्क्वायर करके, जो अगर बी का स्क्वायर करेंगे तो ये फोर आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो नाइन आएगा, मतलब इस तरीके का रिलेशन ये बता रहा है, समझ रहे हैं। तो रिलेशन ये होता है आपका। अच्छा, अगर हम ऐसा लिखें कि इफ ए ये जो इस तरीके का अगर साइन आपको दिखेगा तो रिप्रेजेंट ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। आप जल्दी से लिख लें इसको, ये आपका जो है ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, तो ये साइन आपका क्या है कि ए जो है बी से रिलेटेड नहीं है। तो ये रिलेशन का बेसिक डिफिनेशन आपके पास था कि अगर दो नन एम्प्टी सेट है तो ए में आपका जो है, ए है जो रूल आर वर्क करता है कि ए को एसोसिएट करता है एलिमेंट, जो सेट ऑफ एलिमेंट्स ए एसोसिएट द सेट ऑफ एलिमेंट बी, तो देन रूल आर एसोसिएट्स द एलिमेंट ऑफ ए एलिमेंट ऑफ सेट ए, है ना, एलिमेंट ऑफ सेट ए टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये जो है दोनों सेट के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करता है, जो कि मैं आपको एग्जांपल के साथ ये समझाया कि अगर एक ऐसा रिलेशन बना रहा है तो ये आपका जो है इस तरीके से, अगर ए में आप 4-9 लिए हो, बी में 2-3 लिए हो, तो इसका स्क्वायर ये दिख रहा है आपको, इसका स्क्वायर ये दिख रहा है, ये एक रिलेशन एस्टैब्लिश यहाँ पे कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक रिलेशन आपको दिख रहा होगा। चलिए, ये आपको क्लियर हुआ होगा कि रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन दो नन, कोई भी तरह का रिलेशन अगर आप बनाते, किसी भी टाइप का रिलेशन अगर आप बनाते हो, तो कहने का मतलब कि एक ए एलिमेंट, जो भी सेट ए में जो एलिमेंट है उसका कुछ ना कुछ रिलेशन बी के साथ अगर है, तो वो कहा जाएगा कि एलिमेंट जो है ए में, जो ए सेट ए में जो बिलोंग कर रहा है उसका जो है रिलेशन सेट बी में जो एलिमेंट है उसके साथ है। तो ये जो रिलेशन एस्टैब्लिश करवाता है, ये रिलेशन वही रिलेशन कहलाता है ना। अब चलिए यहां पे हम लोग थोड़ा सा एक जानकारी और ले लेते हैं इसमें। तो यहां पे आपका सबसे पहले हम लोग दो सेट ले लेते हैं आपके सामने, है ना, ए बराबर मैं अगर ले लूं 1-2 और बी बराबर मैं ले लूं ऐसा 1-2-3 और बी में ले लूं हम ए और बी। तो अगर ऐसा आप अगर लेते हो, तो अगर इसका ए क्रॉस बी अगर निकालते हो, ए क्रॉस बी कहने का मतलब कि अगर ऑर्डर पेयर आप निकालते हो, दो सेट का अगर ऑर्डर पेयर निकालते हो, तो उसको कहते हैं ए क्रॉस बी।
अब ए क्रॉस बी निकालने का तरीका, ये इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे रिलेशन आप जो है दो सेट हम आपके सामने एग्जांपल के तौर पे मैं लिखा, तो ए क्रॉस बी अगर निकालते हो इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब कि दोनों सेट को मिलाकर जब ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाता है एलिमेंट्स को, उसको हम लोग कहते हैं ए क्रॉस बी, जिसको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोला जाता है। इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोला जाता है, रिलेशन एंड फंक्शन रिलेशन चैप्टर में इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है। तो अगर हम बताएं कि ए क्रॉस बी अगर आपको लिखना है तो हर एलिमेंट के साथ, जैसे वन का अगर इसका लिखे तो वन ए, फिर आपका टू ए, उसके बाद क्या लिखिएगा थ्री ए, उसके बाद आपका क्या होगा 1, B, 2, B और 3, B। ये जो हुआ आपका क्या हुआ A क्रॉस B, और R जो होता है वो सबसेट होता है A क्रॉस B का। तो ये कहीं ना कहीं रिलेशन बना रहा है, A 1 का A के साथ रिलेशन, 2 का A के साथ रिलेशन, 3 का A के साथ, फिर 1 का B के साथ, 2 का B। तो जितना भी ये जो आप लिखे हो ऑर्डर्ड पेयर, तो जितना भी रिलेशन होगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। सबसेट कहने का मतलब कि जितना भी एवरी एलिमेंट ऑफ आर रिलेशन, एवरी एलिमेंट इन रिलेशन आर इज आल्सो प्रेजेंट इन बी, ए क्रॉस बी। मतलब कि हर एलिमेंट जो रिलेशन ए और बी में जब बताया जा रहा है, ए से बी में अगर रिलेट ये कर रहा है एलिमेंट को, तो देखिए तो हर एलिमेंट जो है ए और बी 1, 2, 3 यहां भी तो मौजूद है, ए क्रॉस बी में भी ये मौजूद है। तो आर जो होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी। और सबसेट का डिफिनेशन आपको बताया गया होगा कि सबसेट का डिफिनेशन क्या होता है, कि हर एलिमेंट, अगर हम कह रहे हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए is also presenting B। अगर ये सेट A लेते हैं हम, अगर मान लीजिए कि अगर हम 1 और 2 लेते हैं और एक B सेट लिखते हैं, B में अगर सबसेट कुछ लिखा हुआ है, तो देख लीजिए अगर A is a subset of B लिखा जा रहा है, मतलब A जो है वो B का सबसेट अगर बोला जा रहा है, तो अगर देखिए यहाँ पे अगर 1 ले रहे हैं, 1, 2 ले रहे हैं, अगर 2 ले रहे हैं, ऐसा ये सबसेट हुआ। और इसका जो टोटल नंबर ऑफ एक 5 बनेगा, टोटल जो है सबसेट बना इसका 4, तो ए भी तो इसका सबसेट हुआ बी का। जितना भी एलिमेंट ए में जो प्रेजेंट है वो आल्सो प्रेजेंट इन बी। जैसे ए इज ए सबसेट ऑफ बी, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो प्रेजेंट इन बी। मतलब ये जो 1, 2 है वो बी में भी तो प्रेजेंट है। तो अगर हर एलिमेंट ए वाला बी में भी मौजूद दिख रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं सबसेट। तो यहां जो है कि अगर हम ए और बी में रिलेशन बता रहे हैं, तो जो भी रिलेशन बता रहे हो, तो रिलेशन आर जो बन रहा है उसमें सारा एलिमेंट जो है वो क्या ए क्रॉस बी में नहीं है मौजूद? है ना, ए क्रॉस बी में भी तो है वो एलिमेंट, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। तो यहां पे आपको क्लियर हुआ होगा कि ए जो है सबसेट कैसे कहलाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले बता दूं एक और पॉइंट, नोट पॉइंट आप लिखिएगा जल्दी से, ये आपको अगर क्लियर हुआ होगा तो यहां पे हम लोग एक नोट पॉइंट पढ़ेंगे। जैसे देख लीजिए यहां पे आपको कि नोट पॉइंट यहां पे आप लिखिए, है ना, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज associated with every element of B।
ये नोट पॉइंट आपको याद रखना है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि हर एलिमेंट जो सेट ए में है वो एसोसिएटेड होगा ही, एसोसिएट्स विथ एवरी एलिमेंट ऑफ बी, ये करता ही है, मतलब कि कोई जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं है आपका कि हर एलिमेंट जो सेट ए में है वो बी के साथ एसोसिएट करेगा ही करेगा, ये कोई जरूरी नहीं है आपका कि ये एसोसिएट करेगा। जैसे अगर मैं बताऊं कि अगर इफ ए में अगर हम ले लें कैसा कि माइनस टू ये अगर मान ले कि अगर हम फोर ले लेते हैं माइनस फोर ले लेते हैं फोर वन है ना नाइन माइनस वन और आपका यहां पे आपका और क्या ले लेते हैं टू, तो यहां पे आपका माइनस फोर टू ऐसा अगर हम एक सेट लेते हैं और बी में ले लेते हैं आपका यहां पे आप नाइन ले लेते हैं नाइन और यहां पे फोर वन नाइन और आपका थ्री टू फाइव। थोड़ा सा इसको देखते हैं कि ये एक एग्जाम्पल के तौर पे ये आप समझ सकते हैं कि ये कैसे, मतलब हर एलिमेंट कह रहा है कि कोई जरूरी नहीं कि बी से रिलेशन उसका हो ही। तो यहां पे देखिए ये एग्जांपल माइनस फोर वन टू फोर और नाइन है ना माइनस फोर वन टू और नाइन लिया गया है। यहां पे माइनस टू जीरो टू है ना थ्री और फाइव एंड ये कहता है कि ए रिलेशन A relation is from A to B is defined as A related to B that is A बराबर B square, ऐसा कह रहा है। तो कैसे बनेगा इसका रिलेशन अगर A से B में अगर ऐसा दिया हुआ है तो रिलेशन हम क्या बनाएंगे देखिए। तो जब अगर इसमें रिलेशन आपका बनेगा तो माइनस टू का फोर के साथ फिर टू का फोर के साथ बनेगा वन का वन के साथ बनेगा है ना और थ्री का नाइन के साथ बनेगा। जो भी यहां पे बनेगा जैसे यहां पे फोर इधर होगा माइनस टू इसका स्क्वायर इसके बराबर अब इसका जो है फोर टू के बराबर वन वन और नाइन जो है थ्री के बराबर तो नाइन में जो स्टोर होगा वो थ्री का स्क्वायर। देखिए तीन का स्क्वायर नौ है ना दो का स्क्वायर चार माइनस दो का तो वही होगा चार माइनस दो का भी चार के साथ बन जाएगा और उसके बाद वन का वन के साथ तो ये आपका जो है वन भी इसमें आप इंक्लूड कर लो। तो ये एग्जाम्पल कहता है इससे नोट पॉइंट आपको क्या क्लियर हुआ कि ये नहीं जरूरी कोई जरूरी नहीं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएट्स विद एवरी एलिमेंट ऑफ बी। तो यहां पे देखिए कि अगर ये मैं एग्जांपल एक लिया हूं कि इफ ए माइनस फोर वन टू फोर नाइन आपको दिया गया है उसके बाद बी में माइनस टू जीरो टू थ्री फाइव दिया गया है तो क्या ये रिलेशन जो है ए से बी में जो दिया गया डिफाइन किया गया है ए रिलेटेड टू बी ए बराबर बी स्क्वायर तो सबका रिलेशन है क्या फाइव यहां मौजूद है
लेकिन फाइव का यहाँ रिलेशन किसी के साथ नहीं मिल रहा, जीरो यहाँ मौजूद है लेकिन ए में किसी के साथ रिलेशन इसका नहीं है। तो हर एलिमेंट ए का बी के साथ रिलेशन बता रहा है, नहीं बता रहा है, क्योंकि जीरो का इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है, फाइव यहाँ है लेकिन यहाँ इसका कोई रिलेशन नहीं है इसके साथ। तो ये कोई जरूरी नहीं कि हर एलिमेंट जो सेट ए में है वो बी के साथ एसोसिएट करता ही करता है। चलिए अब आगे देखते हैं डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज, इसमें भी आपका डोमेन और रेंज आ गया। तो डोमेन एंड रेंज क्या होता है रिलेशन एंड फंक्शन में? तो सपोज दैट मैं ऐसा डिफाइन करता हूं, सबसे पहले लेट ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, लेट ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इफ R is expressed in terms of ordered pair. Let a relation R from A to B, if R is expressed in terms of ordered pair, then the set of set of the set of first element then set of first element in relation is domain of R. जो रिलेशन बना, अभी आप एग्जांपल में देखे थे कि जो सेट फर्स्ट एलिमेंट का जो रिलेशन में, जैसे अभी मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा, जैसे यहां पे दिख रहा है कि ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इफ आर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर पेयर देन द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन रिलेशन इज डोमेन ऑफ आर एंड द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट in relation R, second element in relation R is range of R. Suppose that example मैं ले लेता हूं, अगर example से समझना चाहते हैं, अगर set A में 1, 2, 3 अगर दिया हुआ है और मान लीजिए कि सेट बी जो है आपका दिया हुआ है 1, 4, 9, तो जो आपका रिलेशन है ए जो है रिलेटेड है बी से किस तरीके से, है ना, ए रिलेटेड है बी से, मतलब कि ए स्क्वायर बराबर बी है। देखिए कि ए स्क्वायर बी, मतलब ए का स्क्वायर जब करते हो तो बी वाला एलिमेंट मिल रहा है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। तो पहला जो रिलेशन जो भी बनेगा इसमें ऑर्डर्ड पेयर जो बनेगा आपका वो क्या बनेगा, 1 के साथ जो रिलेशन बन रहा है, और इसमें जो है 2 का 4 के साथ और 3 का 9 के साथ। तो ये जो रिलेशन बन रहा है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट जो रिलेशन में है वो डोमेन कहलाता है। तो डोमेन ऑफ आर जो कहलाएगा आपका डोमेन ऑफ आर जो है इसमें कौन होगा, 1, 2 और 3, और रेंज जो कहलाएगा रेंज ऑफ आर इसमें जो है 1, 4 और 9। आपको समझ आया होगा एग्जांपल से कि अगर दो इस तरीके से सेट लिए हैं और ए जो है रिलेटेड है इस तरीके से ए स्क्वायर बराबर बी, तो एक रिलेशन जो बना आपका यहाँ पे वो दिख रहा होगा, रिलेशन आर जो है 1, 1, 2, 4, 3, 9, इसका ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से लिखा गया है। तो
तो ये डिफिनेशन से क्लियर हो रहा है कि जो रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट आया है, जो रिलेशन लिखा गया है, तो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो डोमेन कहलाता है और ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट जो है रेंज कहलाता है। आपको क्लियर हुआ होगा। तो ए रिलेशन जो है लिया गया ए से बी में, तो और अगर आर को एक्सप्रेस किया गया है ऑर्डर्ड पेयर में, तो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन रिलेशन है ना, देन द एलिमेंट ऑफ तो ये आपका जो है डोमेन एंड रेंज क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग जो है एक पॉइंट और पढ़ेंगे अभी। अगर आपको समझ आ रहा होगा तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट भी करके आप बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है। तो ये था आपका डोमेन एंड रेंज। अब हम लोग जो है सीखने वाले हैं क्या, देखिए नोट पॉइंट टू इसमें जो है हम लोग क्या है, इफ ए सेट हैज M element and another set, set has N element, then the order pair M into N and the number of relation from A to B is equal to 2 का पावर mn माइनस 1। अगर आपको किसी सेट में m एलिमेंट्स दिया गया है और किसी दूसरे सेट B में अगर n एलिमेंट दिया हुआ, तो ऑर्डर्ड पेयर कैसा बनेगा, m into n, और टोटल जो रिलेशन होगा A से B में, A to B में जो रिलेशन बनेगा वो 2 का पावर mn माइनस 1 बनेगा आपका, ठीक है। तो ये जो है आपका रिलेशन दिया गया है। अब यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल ले सेट से रिलेटेड, ये तो आपको फॉर्मूला था याद रखना है, क्रैश कोर्स में इतना भी नहीं चलेंगे क्योंकि हमको बहुत सारा चीज खत्म करना है आपका, ठीक है। तो सेशन भी ज्यादा अगर लंबा होगा तो आपको, तो यहाँ पे हम लोग जो एग्जाम्पल देख रहे थे उसके बाद जो एग्जाम्पल मैं बता दूं कि दो सेट हम लेते हैं एक्स बार एक्स जो है बिलोंग्स टू एक्स जो है इस तरीके से सेट लेते हैं 1 2 3 4 है ना, और वाई जो है आपका वो 1 2 3 4। तो अगर मान लीजिए पहला जो कहता है एक्स इज रिलेटेड टू वाई, तो यहाँ पे जो एक सेट लेना है एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो पहला कंडीशन में जो लिया गया है एक्स रिलेटेड टू वाई, तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो इसमें जो रिलेशन बनेगा आर बराबर जो बनेगा वो क्या क्या बन सकता है, 2 1 3 1 3 2 है ना, 4 2 4 1 4 3, और भी कुछ नहीं बनेगा, ये आपका x इज ग्रेटर देन y। इसके बाद जो ये एग्जांपल मतलब कि दो सेट लिया गया है और x जो है रिलेटेड है y से, और आपका जो है रिलेशन 2 1 मतलब x जो है बड़ा होगा y से, एक सारे देखिए इसमें सारा जो है वाई मतलब बड़ा है, इस तरीके से रिलेशन। अगर मान लीजिए दूसरा रिलेशन ऐसा देता है एक्स इज रिलेटेड टू वाई और एक्स जो है वो वाई प्लस वन होगा, एक्स जो है वाई प्लस वन होगा, तो रिलेशन यहाँ पे देखिए किस तरीके से बनेगा, रिलेशन जो है एक्स में, तो एक्स में आपको क्या करना है वाई प्लस वन करना है, तो वाई क्या है ये है, तो एक्स में जो भी मिलेगा वो y प्लस वन करना है ना, x बराबर y प्लस वन,
तो अगर एक्स वन ले रहे हैं तो वाई के लिए क्या हो जाएगा? एक्स जो है टू और वाई जो हो जाएगा वन हो जाएगा। इसी तरीके से आपका जो दूसरा रिलेशन बनेगा, अगर मान लीजिए कि एक्स वाई जो है वन ले रहे हैं तो एक्स टू ले, और वाई अगर टू ले रहे हैं, अगर वाई टू लेते हैं तो एक्स जो होगा वो थ्री होगा। अच्छा, एक और रिलेशन क्या हो सकता है कि अगर वाई थ्री लेते हैं तो एक्स जो होगा वो फोर होगा, है ना। इसी तरीके से अगर एक्स फोर लेते हैं, एक्स जो है फोर लेते हैं तो एक्स जो है रिलेशन क्या बनेगा? एक्स अगर फोर ले रहे हैं तो अगर यहां पे बनेगा फाइव और फोर से रिलेशन बनेगा। तो यहां पे वाई के जगह पे जो जो ले रहे हैं, एक्स में जो स्टोर हो रहा है वाई प्लस वन, तो वाई का वैल्यू अगर वन तो टू, टू तो थ्री, थ्री तो फोर, इस तरीके से एक रिलेशन आपका बनेगा। यहाँ पे आपका थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है ना। इसमें थोड़ा सा क्या हो गया है कि y बराबर जो है आप x प्लस वन ले रहे हैं, y बराबर दूसरा जो है x रिलेटेड टू y, तो यहाँ जो लेना है वो y बराबर x प्लस वन लेना है। तो यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा आपका क्या हो जाएगा रिलेशन में, है ना, यहाँ पे क्या होगा, x वन अगर लेते हैं तो वन लेते हैं तो x अगर वन ले रहे हो तो y मिलेगा टू, है ना, x अगर टू ले रहे हैं तो y मिलेगा थ्री, और अगर x थ्री लेते हैं तो y मिलेगा फोर। ये आपको इस तरीके से रिलेशन आपका यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरीके से ये रिलेशन था। अब हम लोग इसके बाद जो है पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन, वो आप जल्दी से देख लें। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में आपका कौन कौन सा एक रिलेशन इसमें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए। यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिलेशन में आपको सबसे पहले पढ़ना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बी सिमेट्रिक, सी ट्रांजिटिव, और डी है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन जो आपका आएगा इसी टॉपिक से आने वाला है। जैसे पांच नंबर में पूछता है प्रूव करो इक्विवेलेंस रिलेशन, प्रूव दैट इक्विवेलेंस रिलेशन, तो हम लोग जो है इसको नेक्स्ट क्लास में, है ना, क्लियर करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। तो नेक्स्ट जो सेशन हमारा होगा वो बहुत जल्द, कल ही हम लोग मिलेंगे टास्क फोर्स के इस सेशन में, हम लोग कल मिलेंगे और इससे रिलेटेड सारे टाइप के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में उसको भी क्लियर करेंगे और ये टॉपिक जो है हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जल्द ही हम लोग वो सेशन में मिलने वाले हैं क्रैश कोर्स के नेक्स्ट सेशन में हम लोग बहुत जल्द। तो ये आपका आज का सेशन था, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है आपके लिए। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो भी मन में आपका डाउट था कि किस तरीके से हमारा मैथमेटिक्स में स्कोर होगा, तो अब कंफ्यूजन में रहने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहां से आप कंप्लीट कर सकते हो।